प्रणाम बच्चों, आज हम बेटा कक्षा द्वितीय में कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? पाठ चार, अधिक बलवान कौन। पाठ चार, अधिक बलवान कौन, ये किसकी किसकी बात हो रही है इसमें? सूरज और हवा की। सूरज और हवा जो दोस्त हैं और वो आपस में एक दूसरे को, वो बोल रहा, हवा बोल रही कि मैं अधिक बलवान हूँ और सूरज बोल रहा है मैं अधिक बलवान हूँ। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से क्या कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकत, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। क्या बोल रहा है कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। फिर क्या हुआ, दोनों जन जो सूरज और हवा है वो अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बता रहे हैं। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। इतने में हवा की नज़र किस पे पड़ रही, एक आदमी पर। ये हवा है, यह हवा दिख रही है आपको, है ना, और इसकी नज़र किस पे पड़ी, इस आदमी पर। किस पे पड़ी बेटा, ये आदमी जा रहा था उस पर पड़ी हवा की नज़र। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। हवा ने सूरज से क्या कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा ताकतवर है, बलवान है। तो हवा ने क्या कहा, सूरज से क्या कहा कि जो आदमी ने ये कोट पहना है, अगर जो इसका कोट उतरवा देगा तो वो सबसे ज़्यादा अधिक बलवान कहलाएगा। सूरज हवा की बात मान गया। जो सूरज था उनने हवा की बात मान ली कि चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने क्या कहा कि अब दिखाओ तुम अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। हवा ने किया क्या, अपनी ताकत दिखानी शुरू करी, यानी हवा और ज़ोरों से चलने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई। हवा जब बहुत तेज़ चलने लगी तो आदमी ने जो सिर पे टोपी लगाई थी, ये देखिए, ये उड़ गई उसकी टोपी, ये सिर पर से उड़ के नीचे चली गई उसकी टोपी। फिर पर कोट उसने अपनी दोनों हाथों से शरीर पर ही लपेटे रखा। जो कोट पहना था आदमी ने, ये देखिए कोट पहना है, उसने अपने शरीर पर और ज़ोर से कोट को पकड़ के रखा है और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। और क्या करा, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी तो उसने क्या करा, अपने कोट के जो सारे बटन खुले थे उसको वो बंद करने, हवा और ज़ोर से चलने लगी। जब आदमी ने अपने कोट के बटन बंद करने लगे तो हवा और क्या करने लगी, और ज़ोरों से चलने लगी, बहुत तेज़ चलने लगी हवा। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। जब हवा बहुत तेज़ चलने लगी तो आदमी ने अपने शरीर से कोट उतारा क्या बेटा, नहीं, और वो हवा तेज़ होने के कारण वो आदमी ज़मीन पर यानी नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। कोट उसने उतारा नहीं था, वो फिर भी गिर गया था, हवा चलने से बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो गिर गया था, पर उन्होंने अपने शरीर से कोट को अलग नहीं किया। अब हवा थक गई थी, हवा थक चुकी थी कि आदमी तो कोट ही नहीं उतार रहा है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने क्या कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज क्या करने लगा बेटा, तपने लगा, यानी बहुत गर्मी और करने लगा सूरज, बहुत तेज़ तपने लगा। जब सूरज तपता है तो हमारे शरीर में बहुत तेज़ गर्मी होती है, हमको बहुत तेज़ गर्मी लगती है, पसीना भी आता हमें। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आदमी ने क्या करा, जब सूरज बहुत तेज़ तपने लगा तो उसे ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो ये देखिए आदमी ने क्या करा, सारे कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने अपनी गर्मी को और बढ़ाया। आदमी ने कोट उतार दिया। आदमी ने क्या करा, जब बहुत तेज़ गर्मी लगी तो आदमी ने क्या करा, कोट उतार के हाथ पे रख लिया और उसने उसे हाथ में लेकर चलने लगा। आदमी ने कोट उतारा और हाथ पे लेकर के चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। सूरज ने हवा से क्या कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। क्या कहा उसने, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। जो हवा थी उसने सूरज को प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि हाँ तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, और उसने उसकी ताकत को हमी दे दिया, ने हाँ मान गई कि वो सूरज में बहुत ताकत है। उसने आदमी का कोट उतरवा दिया था। आप बेटा इस पाठ को घर पे पढ़ेंगे और समझेंगे, पाठ पूरा पढ़ेंगे घर पे।